अनिल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि समाज नहीं हुआ है इस बिल से संतुष्ट। पहले की तरह फिर से कोर्ट में अटक सकता है यह बिल, सरकार को लिखित में करना होगा उन्हें आश्वस्त। कोर्ट में बिल लटके तो लेनी होगी सरकार को जिम्मेदारी, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। नीरज के पवन भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं, समझाए इसकी कोशिश की गई है, लेकिन किरोड़ी बैसला ने ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, कल भी साफ तौर पर गुर्जर नेताओं की ओर से ये कहा गया था कि जब तक समाज संतुष्ट नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक बार फिर से बैसला ने कहा है कि वही मामला अटकेगा जो पिछली बार अटका है, कोर्ट में जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये मामला कोर्ट में नहीं फंसेगा। किरोड़ी साहब, आप किस तरह से मानते हैं, किस तरह से आशंकित है, क्या इस बार कुछ बदलाव हुए हैं? जैसे नीरज के पवन आए कह रहे हैं संशोधन कर दिया हमने, इस बार ये नहीं अटकेगा, वो अपने स्तर पे कह रहे हैं, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जब हमारे पास 5% का गजट आया, 5% का बिल आया, तो हमने उसका अध्ययन करवाया और अध्ययन करवाने के बाद में हमें संदेश कर्ज पे पहुंचे कि ये तो 50% से ऊपर है और 50% से ऊपर होने पर इसमें रिट होगी, खारिज होगा। 10% वाली नहीं, 10% वाली बात अलग है, इन्होंने 10% के पैटर्न का कोई हवाला दिया है। तो उसके लेकिन फिर भी हम समाज आशंकित है, क्या 10% का हवाला विल सबस्टेंशिएट? अगर 10% वाला हवाला सबस्टेंशिएट करता है और पिटीशन से इसको इम्यून करता है, इस बात की गारंटी सरकार हमको देती है तो वील एक्सेप्टेड। किस तरह से लिखित में आप चाहते हैं, आपको इस तरह लिखकर लिखित में दे दो, हमको तो दे दो कि इट विल हेल्प, इट विल डिफेंड, इट विल वर्क, विल एक्सेप्ट। आप शुरू से कह रहे थे कि समाज के मंत्री और जो विधायक आपके जो भी हैं उनसे भी आप बातचीत करेंगे, कुछ हुआ ये राय लेने से पहले? नहीं, वो नहीं आया अभी। नीरज के पवन अभी आए थे, वो कुछ आश्वासन देकर गए, क्या हो सकता है? वो तो कर रहे हैं, अपनी करते रहे।